तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज है ट्यूसडे, आज हाँ मंगलवार है भाई आज, और मैं निकल चुका हूँ अभी अपने टाइम पे। अभी 8 गाड़ी में बज रहा है, बाकी एक्चुअली में अभी 8 नहीं बजा है, तो गाड़ी का टाइम थोड़ा सा आगे है अभी। इसका मेरे को सेटअप करना नहीं आता कैसे होता है सेट, 4-5 मिनट का फ़र्क है। बाकी भाई अभी मैं निकल गया हूँ ड्यूटी पे। अभी मैंने आईडी ऑन नहीं करी है क्योंकि मेरे को डलाना है इसमें तेल। अभी तेल है इसमें, पर हमारा ये सीन हो गया अब कि भाई डेली 200 का तेल तो डलाना ही डलाना है ना। तो चलो फटाफट तेल डलाते हैं इसमें, करते हैं फिर दिन की शुरुआत आज की, लेट्स गो दोस्तों। तो लो जी गाइस, पहुंच गए अपन तेल डलाने के लिए। भीड़ तो नहीं है आज? भीड़ नहीं है भाई यहाँ पे, आजकल भीड़ कम ही है इधर। 230 का डालना अंकल। चलो भाई तेल तो मैंने डला लिया है, अभी करते हैं अपना रैपिडो ऑन। तो यार कल ना मेरे पैर में चढ़ गई नस, और गियर चेंज करते हुए भयंकर दर्द हो रहा है। हाँ यार तो चलो भाई आईडी ऑन कर लेते हैं अपन अब। 8:05 हो गए भाई। चलो जी गाइज, एक राइड बच चुकी है मेरे पे, ज़्यादा बड़ी राइड नहीं है ये, 32 रुपये की राइड है। मैंने बोला भाई पहली राइड है, बोनी की राइड है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलो इसको सबसे पहले पिकअप करने चलते हैं, ठीक है। तो लो जी गाइज, पहुंच गए अपनी पहली राइड की लोकेशन पे। कॉल कर लेते हैं इनको एक बार। आपके पास ना एक मैसेज आएगा राइड को एंड करने का। आया मैसेज एंड करने का। कोई मैं मतलब पैसा क्यों ज्यादा आ जा रहा है यार? पता नहीं कितना दिखा रहा था आप में। नहीं हम तो डेली आते हैं तो 45। अच्छा 42 यहीं पे ही? हाँ यहीं पे। आई पता नहीं दिखाया मेरे को, 50 दिखाया। ये क्या है भैया? ये कैमरा है, ये वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना यूट्यूब पे मैं। ठीक है भैया, थैंक यू। तो लो जी गाइस, भाई पहली राइड हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके मेरे को मिले हैं 46 रुपये, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चल के आया ना। हाँ इन्होंने पैसे करे भी। तो चलो अभी वेट करते हैं यहीं पे बैठ के कि इसमें ऑर्डर बसता है हमारे पास। लो जी गाइस, देखो राइड आ गई है मेरे पास। ये उठाने जाना है मेरे को 500 मीटर, और कामनी जी को उठाना है। तो चलो इसे फटाफट उठा के लाते हैं। छोड़ो जी गाइस, पहुँच चुके हैं इनकी लोकेशन पर। कहाँ है कामनी जी? गली के अंदर ही है क्या? अपन गली के बाहर ही खड़े हो जाते हैं, अंदर ही चलते हैं यार। चलो यहीं कहीं से पिकअप करना है इनको, कॉल कर लेते हैं एक बार। हेलो, हाँ जी मैम, आपने राइड बुक करी थी रैपिडो में? हाँ जी मैम, मैं लोकेशन पे आ गया हूँ। ओके मैम। तो भाई आ गई है मैडम। OTP डालना मैम। हाँ 3645। ठीक है, ओके मैम। यहाँ पे लाल टेम्पो है ना, यहाँ पे रोक देना। ओके मैम। चलो भाई हो गया काम 25। चलो गाइस, भाई 103 रुपये का मेरा काम हो गया है। अभी वेट करते हैं भाई कितनी देर में हमारे पे कोई राइड बसती है।
यह ऑर्डर बसता है जी। गाइस एक राइड बच गई है मेरे पास, 65+9 रुपये की राइड है ये, और इसको 2.5 किलोमीटर उठाने जाना है और भाई ICBT छोड़ना है इसे। तो चलो इसे फटाफट पिकअप करते हैं, पिकअप थोड़ा सा लंबा है भाई, क्या कर सकते हैं। पर इधर ही रोकना है आपको, चलो भाई हमारी तीसरी राइड भी कंप्लीट होते हुए। तो जावे तेरा ही दीदार देना जावे तेरा। ओके भैया, कैश कलेक्ट कर लिया है, देखते हैं इसके कितने रुपये मिलते हैं मेरे को। भाई इसके मेरे को मिले हैं 73 रुपये और टोटल अर्निंग हो गई है मेरी 176। तो चलो अभी वेट करते हैं, यहाँ से कोई ऑर्डर या राइड बचती है तो ठीक है, मैं चलते हैं। चलो जी गाइस, ऊबर में मेरे पास एक राइड आ गई है भाई, ऊबर में बैक टू बैक राइड बज रही है आज बैंकर की। इसका वो कहाँ से दिखेगा मेरे को, मैप कहाँ से चलेगा। तो चलो भाई जी, इसे फटाफट पिकअप करके छोड़ के आते हैं। यही है ना, आपके में दिखा रहा होगा ये, एक मिनट, क्योंकि मेरा तो मैप ही नहीं चल रहा था। अभी देखता हूँ कितने दिखाता है, 87 रुपये दिखा रहा है आपका ये। ओके भैया ठीक है। तो लो जी गाइस, ये थी हमारी आज की चौथी राइड जो कि थी ऊबर में। भाई ऊबर में भी मेरा काम हो गया है, ये देखो रैपिडो में फूड का ऑर्डर बच गया भाई। चलो इसे पिकअप करते हैं भाई, बैक टू बैक हो गया आज तो भाई। इसमें 87 रुपये का काम हुआ है मेरा, क्या बोलते हैं ऊबर में 82 रुपये का। और भाई चिलीज रेस्टोरेंट से मेरा इसमें ऑर्डर बच गया, क्या बोलते हैं रैपिडो में, तो बढ़िया है। खाली हाथ नहीं आना पड़ा ICBT से, अच्छी बात ही है, वरना ICBT से खाली हाथ आना पड़ता ना, इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है भयंकर की। अब यह 9198 देना स्विगी 1998। चलो भाई, दिन का पहला फूड का ऑर्डर भी मैंने पिकअप कर लिया है, फोटो खींच के दे देते हैं इसको। चलो भाई फटाफट इसको डिलीवर मार के वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का। ये चलो जी गाइस, ये पहुंच गए अपन फूड के ऑर्डर की लोकेशन पे, जो कि रैपिडो में भेजा था हमारे पास। कॉल कर लेते हैं इनको एक बार। ओके भैया, चलो भाई इसको मैंने मार दिया डिलीवर, अभी देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं इस ऑर्डर के मेरे को। 6 किलोमीटर डिस्टेंस था भाई, 6 किलोमीटर के मिले हैं मेरे को 64 रुपये। तो चलो बढ़िया है, नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं। तो जी गाइस, अभी मैंने फूड का ऑर्डर छोड़ा ही था, उतने में वापस आ रहा था, एक राइड बची मेरे पास, यहीं से उठाना है, क्या बोलते हैं आपका डोभाल चौक से उठाना है, गढ़वाली कॉलोनी से, और वहाँ लेके जाना है कॉर्नेशन हॉस्पिटल। तो मैंने बोला चलो भाई एक्सेप्ट करो, तुरंत एक्सेप्ट करो। हेलो मैम, ये ढलान से नीचे आ गया हूँ, ये जो स्कूल है ना यहाँ पे। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, गिरूंगी तो नहीं इस पे से? देखो बैठ जाओ ढंग से, दोनों पैर करके बैठ जाओगे ना, देख लो पहले एक बार।
7029 72 हो गया मैम आपका। हो गया ठीक है मैम। चलो जी भाई, मैम को भी मार दिया है मैंने ड्रॉप। भाई मेरी टोटल अर्निंग हो गई है रैपिड है, रैपिड में बता रहा हूँ 361। बाकी उसका तो अलग ही है। ऊबर में आज भाई और राइडें बहुत है ऊबर में, बैक टू बैक बज रही थी महंगा जब मैं इधर आ रहा था। अभी यहीं कहीं पेड़ों के नीचे बैठते हैं जाके। यार गाइस अभी टाइम हो रहा है भाई 12:30 और मेरे पास एक राइड बज गई है। मैं रिस्पना पे ही था, रिस्पना पे एक राइड छोड़ के मैंने पानी पुनी पिया घर पे, उतने में ये राइड बज गई। मैंने बोला चलो भाई एक्सेप्ट करो, 60 रुपये प्लस की राइड होने वाली। ये हो सकती है जाना कहाँ मामा आपको? अच्छा अच्छा ठीक है, OTP बताना। ये हो रहा 84। ओके मैम चलो भाई इस ऑर्डर के मेरे को मिले हैं 78 रुपये। अभी वेट करते हैं कितनी देर में हमारे पास कोई दूसरा ऑर्डर बचता है। तो यार गाइस भाई मैं जा रहा था अपने एरिया में और मेरे पास एक राइड बच चुकी है, रैपिडो में ही है, 175 रुपये की राइड है भाई ये। और भाई लोकेशन पास में ही है, यहीं कहीं से उठाना है, तो पता नहीं लेके कहाँ जाना है यार इसको। भाई मैंने ढंग से देखा भी नहीं, मैंने सीधा एक्सेप्ट कर लिया, इसी गली में से उठाना है इनको। तो चलो इनको उठा के ये वाली गली थी। खुला 500 का खुला। एक मिनट देख लेता हूँ, होना तो चाहिए, मिला तो था आज कैश। कितना हो रहा है वैसे आपका? 196 हो रहा ना, बस 4 रुपये नहीं होंगे खुले। 196 4 रुपये नहीं तो मान ले यार। ओके भैया ठीक है भाई, धन्यवाद। ओके चलो गाइस, भाई ये राइड बजी थी मेरे पास मियाँ वाला से, वो तुन वाला से इधर भानिया वाला तक की, और इसके मेरे को मिले हैं कितने रुपए? तो गाइस मेरे को 175 रुपये दिखा रहा था, मेरे को उतने मिल गए हैं। बाकी भाई टोटल अर्निंग मेरी हो गई है 663 रुपये इसमें हो गई है, 663 और 82 रुपये उसमें हो गई है, क्या बोलते हैं ऊबर में। तो बढ़िया हो गई है भाई अर्निंग, अभी तो डेढ़ ही बज रहा है अभी तो। अभी क्या है ना, अभी मैं रिस्पना पुल का गो टू होम लगा देता हूँ भाई। यहाँ से अगर राइड बज गई तो भाई मज़ा आ जाएगी। ऊबर भी ऑन कर देते हैं, ऊबर तो मेरा ऑन ही रहता है यार, ये ऊबर तो भाई हमेशा ऑन रहता है भयंकर की। 1 hour later तो देख रहे हो गाइस, इन जैसे कार्टूनों के वजह से ना इतना गंदा जाम लग जाता है भाई। इनने कहाँ डाली रॉन्ग साइड पे गाड़ी, निकालते रहो भयंकर। नहीं मियाँ वाला से तुन वाला का बज रहा है, एक नहीं उठा रहा मैं। तो भाई देखो इतने बलेन वाले ने बहन का कहाँ डाल दिया यार रॉन्ग साइड। ऐसे ऐसे कार्टून है ना अपने देहरादून में। तो यार गाइज
दून हिल कॉलोनी से उठाना है मसूरी डाइवर्जन। ये देखो 115 रुपए की राइड बज रही ऊबर में। अब मैं घर से बाहर निकला तो, पर मैं ये वाली नहीं उठाऊंगा यार, इतनी बड़ी राइड नहीं चाहिए मेरे को। मेरे पास एक 53 रुपए की राइड बज रखी है, उसे छोड़ के अपन घर निकल जाएंगे। अपना दिहाड़ी बन गई है, ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे पास। भाई मैं कितने बजे आया था घर, 2:30 बजे मैं घर आ गया था। मैंने बोला चलो खाना खुना खा लेंगे, जब तक राइड बजेगी कोई उठा लेंगे। भाई राइड ही नहीं बज रही, फिर अभी एकदम से फ्लो आया राइडों का, 30 रुपये, 25 रुपये, 21 रुपये। फिर अभी मेरे पास ये 50 रुपये की राइड आई है, 55 रुपये की। मैंने बोला चलो यार इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद घर निकल जाएंगे, वीडियो को भी एंड कर देंगे अपना। 800 रुपये का काम हो जाएगा, 200 रुपये का तेल लग जाएगा, अपनी दिहाड़ी सेट। ओहो 68 रुपये हो गए भैया, कैश दे रहे हूँ। ओके भैया, तो लो जी गाइस, भाई ये वाली राइड भी मैंने मार दी है, इसके देखता हूँ कितने रुपए मिलते हैं मेरे को। भाई इस राइड के मेरे को मिले हैं 58 रुपये, और अभी देखो मैं टोटल बताता हूँ आपको। भाई 720 रुपये का काम मेरा इधर हो गया है, और ऊबर में हो गया है मेरा 82 रुपये का काम ऊबर में हो रखा है। तो भाई प्रॉपर मेरा काम हो गया है 803 रुपये का, बहुत बढ़िया काम हो गया भाई आज तो, कल से बढ़िया काम हो गया आज। कल तो ये है कि कल ज़्यादा घिसना पड़ गया था, आज ज़्यादा नहीं घिसना पड़ा मेरे को। हाँ तो यार गाइस घर जा रहा था भाई मैं, और वो राइड नहीं बज रही थी मेरे पास आते हुए 115-116 रुपये की। भाई वो 2-3 बार बजी ऊबर में, और वो फिर से बज गई मेरे पास ही। मतलब ऊबर में अभी कोई काम नहीं कर रहा क्या इधर भयंकर ऊबर में? 119 रुपये की वही वाली राइड बजी, इसे मैंने बोला चल यार छोड़ के आ जाता हूँ। 100 रुपये नो बैड भाई, 100 रुपये बुरे थोड़ा है, खा लेंगे अभी यार, यही तो है, यही कहीं से उठाना इसको। अरे हाँ बैग है मेरे पास, ठीक है जी। तो भाई ये लेके जाना है मेरे को, है कुछ गिरने वाला आइटम तो नहीं है ना? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले जा लूँगा आराम से। हाँ तो गाइस मेरे को तो लग रहा था यार राइड लेके जानी है, पर आंटी ने दे दिया मेरे को खाना, और ये खाना लेके जाना है मेरे को मैक्स हॉस्पिटल। भाई वहाँ से दिखा रहा था पूरे 11 किलोमीटर, 25-26 मिनट का रास्ता, और ऑर्डर बजा था मेरे पास ये 119 रुपये का। तो देखते हैं कितने रुपये मिलते हैं इसके मेरे को, ठीक है गाइस। इसको डिलीवर मार के फिर वहाँ से कोई राइड बज जाए घर की साइड की तो ठीक है, वरना खाली हाथ ही आना पड़ेगा। तो चलो आपके भी ऑर्डर सुनील के नाम से ना। ले मिल गए, ओके भैया थैंक यू, ठीक है भैया। इसमें अपलोड ही करते हो सबने? थैंक यू, ओके भैया। तो लो जी गाइस, भाई रैपिडो में मेरा हो गया है 721, ऊबर की राइड बजी थी, ऊबर में हो गया मेरा 200 रुपये का काम। बाकी भाई यहाँ से देखते हैं घर की साइड का कोई ऑर्डर बसता है या राइड बसती है तो ठीक है, वरना तो वरना क्या, बस गाइस बस घर की साइड की राइड बज जाए। मैंने बोला था कि भाई 4 बजे तक काम करूँगा, पर वही है ना कि भाई मैं 1.5 घंटा घर में बैठ गया, 2:30 बजे मैं घर चला गया था, तो उसके बदले मैंने टाइम एक्स्ट्रा दे दिया, वही समझ लो आप। तो काम हो गया भाई मेरा 7:02। अरे यार ये न्यूट्रल कैसे लग गई, और मेरे कैमरे की बैटरी भी डाउन हो गई है। तो भाई भाई शाम के बज गए हैं 5, और भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लिया मैंने, बता दिया मैंने आपको, क्योंकि मैं घर चला गया था ना 1.5 घंटा। तो भाई अर्निंग दिखा देता हूँ आपको, देखो 721 रुपये की मेरी हो रखी है रैपिडो में, और 200 रुपये की हो रखी है ऊबर में। तो भाई टोटल करके बनता है ये 721 प्लस 200 रुपये, 921 रुपये की भाई मेरी अर्निंग हुई है टोटल, और गाड़ी चल गई है कितनी यार।
भाई गाड़ी चल गई है मेरी 150 किलोमीटर, तो भाई यार 250 रुपये का तेल लग गया है मेरा, ठीक है गाइस। तो भाई देखो वही 921 रुपये की कमाई प्लस टिप वगैरह मिली थी, कैश वगैरह दे दिया था भाई लोगों ने किसी की भाई 90 रुपये की थी, किसी की 100 रुपये की थी उन्होंने 90 रुपये दे दिए, किसी की 70 रुपये की थी उन्होंने 80 रुपये दे दिए, ऐसी भाई है। टोटल मिला के 950 रुपये की हमारी अर्निंग हो चुकी है, बाकी भाई तेल तूल लगा के हमारे पास बचते हैं आज 700 रुपये, ठीक है गाइस। 700 रुपये की हमारी अर्निंग बचती है आज, और हमने टोटल घंटे दिए हैं 9, जिसमें से 1.5 घंटा मैंने आराम किया है। बाकी अभी मैंने दोनों आइडिया बंद नहीं करी थी ना, आइडिया बंद कर देता हूँ यार, वरना गुड़ 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 बसता रहता है साला। ये ड्यूटी ऑफ, अभी क्या है ना देखो, अभी हम प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर बोले तो एक जॉब की तरह हम इसे काम कर रहे हैं, नौकरी की तरह। क्योंकि भाई देखो पहले क्या था, पहले भाई बैंक जब मन हो रहा तब उठ के आ जा रहे हैं, पर अभी ऐसा नहीं है, अभी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। अभी जो बाकी का टाइम है वो मेरे लिए टाइम है भाई, मैं इसमें चाहे जिम भी करूँगा, मैं इसमें अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान दूंगा, बाकी भाई वीडियो टाइम से एडिट करके घर में सो जाऊंगा, टाइम से खाना खाऊंगा। पहले क्या था भयंकर 11-11 बजे रात को खाना खा रहा हूँ, टाइम शेड्यूल की पूरी माँ बहन हो रखी थी, तो अभी टाइम शेड्यूल सुधारना है थोड़ा, बाकी भाई थोड़ी पर्सनैलिटी बनानी है यार, अब यूट्यूबर बनते जा रहे भाई। अब पुरानी फ़ोटो देखोगे ना भाई मेरी, अब की फ़ोटो देखोगे पूरा ऐसा हो गया है, शरीर का नाश हो रखा है पूरा। क्यों? क्योंकि भाई होटल लाइन में था मैं, होटल लाइन में उलपटांग खाना खाना ये वो, फिर भयंकर इस लाइन में घुस गए, इसमें तो भाई खाने का टाइम ही नहीं है कुछ, किसी टाइम भी आ जा रहे भयंकर ड्यूटी पे। तो भाई देखो अभी लाइफस्टाइल अपना सुधारना है, बाकी कमाई अपनी जगह है। 700 रुपये बन गई है, कल 600 रुपये बन गई थी टोटल, भाई हमारी कितनी कमाई हो गई है दो दिन में, भाई 1300 रुपये की हमारी दो दिन में कमाई हो गई है, बचा कुछ आगे तो बढ़िया है भाई, नॉट बैड। ठीक है गाइस, तो चलते हैं घर सीधा, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट।